अटैक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान पीएम ने कहा, कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सतर्क है, उभरती हुई स्थिति पर नजर रख रही है, समय से पूर्व सक्रियता से कदम उठा रही है और समूची सरकार के रुख के तहत स्थिति को काबू में रखने और उसके प्रबंधन के लिए राज्यों की मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीमेडिसिन और दूरस्थ परामर्श के लिए आईटी माध्यमों के प्रभावी उपयोग का आह्वान किया। साथ ही कहा कि राज्यों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण पूरी तरह से चालू रहें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के साथ ही संपर्कों का प्रभावी और त्वरित तरीके से पता लगाने, जाँच और टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक केंद्र उन राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगा जहां टीकाकरण कम हुआ है, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। आपको बता दें, लॉकडाउन संबंधी किसी भी बात का यहां जिक्र नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने ये बैठक ऐसे समय में की है जब भारत में ओमिक्रॉन के 300 से ज्यादा अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं। सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। बता दें कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप इसके डेल्टा स्वरूप की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसी और खबरें देखते रहिए न्यूज़ तक पर।